वेलकम बैक टू कम रिव्यूज। मैं हूँ आप लोगों की दोस्त रीमा एंड आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ एक स्किन प्रोडक्ट के ऊपर जो यूट्यूब पे आजकल काफ़ी ज़्यादा छाया हुआ है एंड आप लोग समझ ही होंगे मैं किस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। तो येस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट। सो फ्रेंड्स, ये है लॉरियल रिवाइटलिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस। तो गाइस, फर्स्टली हम बात करेंगे इसकी पैकेजिंग की। पैकेजिंग बहुत ही क्यूट है, एक आती है एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल में एंड कैप है इसका सिल्वर कलर का एंड इट ओपन्स लाइक दिस, किस तरह से ओपन होती है। एंड गाइस, यहाँ पर है एक रैपर जिसपे आपको नज़र आ रही है प्रोडक्ट की सारी डिटेल, अमाउंट एंड द प्राइस। तो मैंने जो ऑर्डर की है वो है 22 ml। ये सबसे स्मॉल साइज बॉटल मैंने ऑर्डर की है एंड प्राइस है इसका 250। ये आती हैं तीन साइजेस में, मेरे पास सबसे स्मॉल साइज बॉटल है एंड इससे बड़ी आती है 65 ml बॉटल विद 799 rupees एंड उससे बड़ी बॉटल आती है 130 ml की जिसका प्राइस है 1350 rupees। तो गाइस, ये थ्री साइजेस में आती है आपके पास बॉटल, आप किसी को भी बाय कर सकते हैं बट आई विल सजेस्ट यू कि आप सबसे पहले स्मॉल बॉटल को ही परचेज करें बिकॉज इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके स्किन पे सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको इससे कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, देन यू कैन बाय लार्ज साइज। एक्चुअली मैंने इससे बड़ी बॉटल बाय की थी 130 ml विच प्राइज 1350, लेकिन एक्चुअली वो हुआ क्या मेरे साथ, इसका सबसे जो एक बोलूँगी ड्रॉबैक ये है कि इस ये हमारी जो बड़ा साइज़ है वो आती है हमारी ग्लास ट्रांसपेरेंट बॉटल में, तो ग्लास बॉटल होने की वजह से जस्ट वो मेरे हाथ से स्लिप हो गई एंड गिरने की वजह से वो टूट गई। तो गाइस, इसलिए मैंने स्मॉल बॉटल ऑर्डर की है बिकॉज मैंने इसका रिव्यू देखा था कि ये स्मॉल बॉटल प्लास्टिक बॉटल है, स्मॉल साइज हमारा प्लास्टिक बॉटल में आ रही है, तो प्लास्टिक बॉटल होने की वजह से ये टूटने वाली नहीं है गिरने के बाद। एंड द थिंग सेकेंड थिंग इज़ कि आप इसको कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत ईजी एंड हैंडी है, आप ईजिली कैरी कर सकते हैं, मतलब उसके साथ हमें थोड़े से प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, जो हमारी लार्ज साइज बॉटल है थोड़ा केयरफुली हमें उसको ले जाना पड़ेगा बिकॉज ग्लास बॉटल है तो गिरने से टूट सकती है, किस चीज़ से टकराने से टूट सकती है, तो उसके लिए थोड़े से प्रिकॉशंस ज़्यादा लेने पड़ेंगे, बट इट्स प्लास्टिक बॉटल तो आप इसको ईजिली कैसे भी कैरी कर सकते हैं। एंड जो बिगनर्स हैं स्किन केयर वाले और जो इस प्रोडक्ट के लिए न्यू हैं, जो इस प्रोडक्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं स्टार्ट करें ना करें, तो वो इस बॉटल से स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज ज़्यादा हाई प्राइस नहीं है, बहुत चीप प्राइस है, 250 प्राइस के साथ आप इसको स्टार्ट करके यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं आपके स्किन पे जाता है या नहीं जाता। एंड ये स्मॉल बॉटल भी बहुत ज़्यादा टाइम तक चलती है बिकॉज टूटने के बाद मैंने एक बॉटल और ऑर्डर की थी इसी साइज़ में प्लास्टिक बॉटल, इसका भी देख सकते हैं आप इतना अमाउंट मैंने फिनिश कर दिया है, वो बॉटल मेरी पूरी तरह से फिनिश हो चुकी है क्योंकि इसका ये वाटरी टेक्सचर होने की वजह से ये हमारा काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती है क्योंकि कुछ 4-5 ड्रॉप्स के थ्रू ही हमारा काम हो जाता है। तो ये तो बात थी पैकेजिंग की। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इस प्रोडक्ट की कि ऐसा इस प्रोडक्ट में क्या है जो हमारे क्रीम में या सिरम में नहीं है जो इसमें है। तो एक्चुअली मैं आपको बात करूँ क्रीम की, तो क्रीम हमारे स्किन के जस्ट फर्स्ट और टू लेयर तक जाती है, उसके ज़्यादा इंटरनली वो हमारी नहीं जा पाती और हमारे स्किन को ज़्यादा अंदर से जाके हील नहीं कर पाती, वो 1 or 2 लेयर के ऊपर ही हील करती है जिससे हमारे स्किन को उतने बेनिफिट्स नहीं मिल पाते जितने मिलने चाहिए। तो अब लोग क्रीम से हट के जाने लगे हैं सिरम की तरफ, तो सिरम क्या चीज़ है, सिरम करती है 3-4 लेयर्स डाउन जाके, हमारी स्किन के 3-4 लेयर्स डाउन जाके वो हमारी स्किन पे वर्क करती है और उसे अंदर से हील करती है, हमारे स्किन को 4 लेयर्स से स्टार्ट करता है हील करना। तो जो अंदर की लेयर्स है वो हील नहीं हो पाती, वो ठीक नहीं हो पाती, जिससे हमारे प्रॉपर जो स्किन को हमें चीज़ें चाहिए कि हमारे पिगमेंटेशन प्रॉपर निकल जाए या हमारी स्किन प्रॉपर इम्प्रूव हो पाए वो चीज़ नहीं हो पाती, वो सॉफ्टनेस वो प्लम्पीनेस नहीं आ पाती। अगर मैं बात करूँ इस प्रोडक्ट की, तो इसका वाटरी टेक्सचर होने की वजह से ये डीपली हमारे स्किन के 10 लेयर तक जाके
हमारे स्किन को 10 लेयर से हील करना शुरू करता है, यानी कि 10 लेयर तक पेनिट्रेट होता है और वहाँ से हमारी स्किन को इम्प्रूव करना शुरू करता है। तो जब 10 लेयर से इम्प्रूव होना शुरू होगा तो फर्स्ट लेयर तक आते आते आपकी स्किन काफ़ी हद तक हील होना शुरू हो जाएगी। एक्चुअली इंटरनली अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर वो इंटरनली ठीक होना शुरू होगी तो ऊपर से तो ऑटोमेटिक ठीक हो ही जाएगी। तो ये अंदर से हील करता है, जिस वजह से हमारी स्किन काफ़ी सॉफ्ट एंड प्लम्पी लगती है। क्रिस्टल माइक्रो एसेंस हमारी स्किन के 10 लेयर डीपर जाके पेंट्रेट करके हमारी स्किन को 10 लेयर अंदर से हील करता है एंड देता है क्रिस्टल क्लियर ब्राइटनेस टू अवर स्किन। इसका लाइट एंड वाटरी टेक्सचर होने की वजह से ये बहुत जल्दी अब्जॉर्ब होता है स्किन के अंदर एंड बहुत जल्दी ड्राई करता है स्किन को, मीन्स बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगाता है स्किन पे ड्राई होने में, एंड इंटरनली हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। बट अगर बात करूँ मैं मेरी स्किन की, तो आई हैव अ ड्राई प्लस सेंसिटिव स्किन, तो मेरी स्किन पे ड्राई कुछ ज़्यादा ही कर देता है। आई फील सो ड्राई इसे लगाने के बाद, तो मुझे इसे लगाने के बाद मॉइस्चराइजर का यूज़ करना ही पड़ता है। बट इट्स वेरी गुड फॉर दोज हु हैव ऑयली स्किन, पिम्पल स्किन, मुझे लगता है ये उन पर ज़्यादा सूट करेगा बिकॉज ये हमारी स्किन को इंटरनली मॉइस्चराइज करता है बट बाहर से हल्का सा ड्राई कर देता है हमारी स्किन को, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा ये प्रोडक्ट। वैसे ये प्रोडक्ट ऑल स्किन टाइप के लिए है, कोई भी स्किन टाइप वाले इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें दो ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके थ्रू हमारे स्किन पे ये वर्क करता है। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा इसका सैलिसिलिक एसिड, जो हम इनको एक्सफोलिएट करता है एंड रिफाइन करता है पोर्स एंड स्किन टेक्सचर को। सो फ्रेंड्स, सेकेंड मेन इंग्रेडिएंट है इसका लेजेंडरी सेंटेला एक्जेक्टिका, जो मेनली जाना जाता है हीलिंग पावर की वजह से। इसमें इतनी ज़्यादा हीलिंग पावर होती है कि हमारी स्किन के 10 लेयर डीपर जाके ये हमारी स्किन को वहाँ से क्लियर करता है एंड स्मूथ बनाता है। एंड फ्रेंड, ये हमारी स्किन को करता है बूस्ट, बूस्ट करने की वजह से हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है वो बनी रहती है एंड जो भी स्किन पर लाइन्स एंड रिंकल्स होते हैं उनको भी ये काफ़ी हद तक स्मूथ करता है। सो माय फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको बताया था कि ये प्रोडक्ट किस वजह से और कैसे काम करता है, बट अब मैं आपको बताती हूँ कि किस स्किन पे कैसे यूज़ होता है। ड्राई स्किन वालों पे ये कैसे वर्क करता है और किस तरह की उनकी स्किन हो जाती है, तो ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। बिकॉज समर्स आ चुके हैं एंड समर्स में हमें चाहिए ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे स्किन को काफ़ी हद तक हाइड्रेट रखे, बिकॉज कई बार हम कुछ थोड़े इवन पानी पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, बट हम कई बार बहुत लेजीनेस दिखा देते हैं और इतना पानी नहीं पीते जितना हमारी स्किन को या हमारी बॉडी को चाहिए होता है। तो आप खुद भी पानी पीजिए और अपनी स्किन को भी पानी पिलाइए, स्किन को पानी पिलाइए इस प्रोडक्ट के थ्रू। बट अगर ड्राई स्किन है आपकी, तो आप जब स्किन पे इसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई कैसे करना है वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखा दूंगी एंड बता दूंगी। बट जैसे आप इसको स्किन पे अप्लाई करते हैं ड्राई स्किन वाले, तो ये हमारी स्किन को इंटरनली तो मॉइस्चराइज करती है बट बाहर से ये हमारी स्किन को ड्राई कर देती है। तो उस केस में आपको इसे लगाने के बाद, तो पहले तो यूज़ करना है टोनर का एंड टोनर के बाद आपको यूज़ करना है इसका। तो हमारे क्रिस्टल माइक्रोसेंस को यूज़ करने के बाद आपको यूज़ करना है मॉइस्चराइजर का, अगर आपकी ड्राई स्किन है। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप सिर्फ टोनर के बाद इसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आई डोंट थिंक सो आपको मॉइस्चराइजर की नीड होगी। ये बहुत है आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, और उसके बाद जब ये ड्राई हो जाता है आपकी स्किन पे, तो ये वैसे भी हल्का सा ड्राइनेस रखता है फेस पे, मतलब ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनने देता और आपकी स्किन को अंदर से हील करता है। आपके पिंपल्स, जिनकी स्किन पे पिंपल्स हैं उन पे ये बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि ये पिंपल्स को अंदर से हील करता है प्लस ड्राई करता है। तो इसके मैंने एडवांटेजेस बता दिए, अब डिसएडवांटेज भी बताना ज़रूरी है। तो डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़ा सा स्किन को लगाने के बाद लाइटली कुछ सेकेंड्स के लिए थोड़ा सा फेस पे चिपचिपापन छोड़ता है, थोड़ी देर के लिए चिपचिपा लगता है आपका फेस, उसके बाद ये लाइटली धीरे धीरे ड्राई हो जाता है और एक ड्राई इफेक्ट छोड़ता है। तो ड्राई होने के बाद आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आपको जो चीज़ें लगानी है वो लगा सकते हैं, लाइक सनस्क्रीन या फिर प्राइमर मेकअप कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है और अगर आपकी ड्राई स्किन है, तो आपको इसे लगाने के बाद तो लगाना ही पड़ेगा, वरना ये ड्राई स्किन वालों को बहुत ज़्यादा ड्राई करती है स्किन को, ठीक है। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। एंड इसकी अगर मैं बात करूँ इसकी बॉटल की, तो जो बड़ी बॉटल है
उसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है, बट अगर प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो प्राइस देने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन उसमें इश्यू क्या है, आपकी वो ग्लास बॉटल है, तो ग्लास बॉटल होने की वजह से थोड़े से प्रिकॉशंस आपको ज़्यादा लेने पड़ते हैं, तो एक वो नेगेटिव पॉइंट है। अगर मैं बात करूँ इसके इफेक्ट की कि आपको इफेक्ट कब देखने मिलेगा, तो फ्रेंड्स ये कोई मिरेकल सिरम या मिरेकल एसेंस नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, चाहे वो क्रीम हो, चाहे वो सिरम हो, चाहे वो माइक्रो एसेंस हो, ये कोई भी प्रोडक्ट आपके स्किन को सूट होने में टाइम लगता है। जैसे ही आपके स्किन के साथ ये सूट हो जाता है एंड आपकी स्किन पे वर्क करना शुरू करता है, तो एक दिन में जस्ट मैजिक की आपके पास स्टिक नहीं है कि वो घुमाई एंड वो एकदम इस प्रोडक्ट के थ्रू सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नहीं, मैं इसको 15 डेज से ज़्यादा मुझे हो गया इसे यूज़ करते हुए, बट मुझे अभी भी ऐसा कुछ खास अपने फेस पे नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, एक लाइट सा ग्लो मैं फील कर रही हूँ, तो गाइज वो ही इनफ है, बिकॉज धीरे धीरे 15 दिन में यार आपको क्या मैजिक देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा टाइम आप किसी भी प्रोडक्ट को देंगे, तो अगर इसको भी हम थोड़ा सा टाइम देंगे, तो आपको डिफरेंस ज़रूर अपने फेस पे देखने के लिए मिलेगा। मैं इसे अपनी स्किन केयर में 2-3 मंथ्स कंटिन्यू रखती हूँ, तो मे भी शायद मेरे जो थोड़े से पिगमेंटेशन है वो इससे रिमूव हो जाए, तो मेरी इससे होपिंग यही है, मे भी शायद हो जाएगा। तो डोंट सो गाइज किसी भी प्रोडक्ट से, स्पेशली इससे, आप ये उम्मीद ना करें कि आपको भाई माइक्रो एसेंस है तो ये आपका जस्ट विद इन 2 डेज आपको सारे पिगमेंटेशन, सारी आपकी स्किन प्रॉब्लम एक दिन में आपको आपकी चली जाएगी और आपको एक मिरेकल सा नजर आएगा। नो, कोई भी प्रोडक्ट आपका टाइम लेगा लेकिन हील जरूर करेगा। सो ये था मेरा रिव्यू अबाउट दिस प्रोडक्ट, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। एंड गाइज यस, मैं आपको इसका यूज़ और बता देती हूँ कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है। मैं आपको बताती हूँ इसे आपको यूज़ कैसे करना है। जस्ट आपको यूज़ करने के लिए इसकी कैप को ओपन करना है, एंड ओपन करके इसके ऊपर कोई एप्लीकेटर नहीं है, जस्ट आपको इसको अपने पाम पे इसकी कुछ ड्रॉप्स डालनी है, एंड जस्ट करना क्या है, इसको आपको टैप करके अपने पूरे फेस पे लगाना है। आपको इसे टैप करके अच्छे से पूरे फेस पे लगाना है, आपको इसे रब नहीं करना है, आपको इसको इस तरह से मसाज नहीं करनी है, जस्ट टैप एंड टैप, बस आपको टैप करके इसको छोड़ देना है। एंड फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, एंड प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। स्किन को बहुत हद तक हाइड्रेट करने वाला है समर्स में विदाउट चिपचिपाहट। इसमें आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि आप सनस्क्रीन क्यों लगाते हैं? सनरेज से प्रोटेक्ट होने के लिए, लेकिन आपको पता है सनरेज कितनी हमारे स्किन के लेयर तक जाती है? इट ऑल्सो गोज़ 10 लेयर डीपर। अगर सनरेज हमारी स्किन के 10 लेयर डीपर जाएगी तो हमारी स्किन को कितना डैमेज करेगी? उसी वजह से हमें स्किन कैंसर होने की प्रॉब्लम हो जाती है, हमें स्किन वाइटनिंग होने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो जो सारी चीज़ें होती हैं ना, वो सिर्फ इसी वजह से होती हैं। तो अगर हम उसको किसी चीज़ से बचा सकते हैं तो वो सिर्फ इस प्रोडक्ट से बचा सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे स्किन पे सन की वो रेज जाएंगी तो वो जितना हमारी स्किन को इफेक्ट करेंगी वो उतना ही, ये इतना ही अंदर से हमारी स्किन को हील करेगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए, सन के डैमेज से बचने के लिए हम सनस्क्रीन का यूज़ तो करते ही हैं, लेकिन इसे भी आप ज़रूर यूज़ करें ताकि जो भी इंटरनल डैमेज हो वो इससे रिपेयर हो पाए। तो जस्ट आप अपनी इसे समर किट में ज़रूर ऐड करें।